सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री पे पल पल की खबर जो है मैं आपको दूंगी। और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि रिपब्लिक टीवी बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो है आत्महत्या नहीं की थी, उनकी हत्या हुई थी। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के केस के तो बहुत बड़े पन्ने रोज खुलते रहे हैं, आज क्या हुआ है मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकी, आप सबका स्वागत है बॉलीवुड टीवी पर। दोस्तों रिपब्लिक टीवी ने जो है सारे के सारे जो लोग कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या है उनके मुंह पे फुल स्टॉप लगा दिया है। क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ तो दोस्तों दो दिन पहले एम्स के जो फॉरेंसिक के मेन हेड है जिनका नाम था सुधीर गुप्ता, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उन्होंने ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड उनका जो है वायरल हो गया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि एम्स ने फाइनली केस का जो है रिपोर्ट ला दिया है, उसके मुताबिक ये क्लियर केस है सुसाइड का, हैंगिंग का, इसमें सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई है, ये उन्होंने कन्फर्म किया। जिसके बाद पूरा बवाल मच गया था कि इतने दिन से जिसकी मर्डर की थ्योरीज बन रही है, मर्डर जिसने किए जिसका हुआ है, ऐसी बातें हो रही है, वो अचानक से जो है सुसाइड का केस कैसे बन गया, ये सवाल सब पूछ रहे थे। और उसी सवालों का हम जवाब देंगे, हम भाई सारे के सारे सबूत लेके आएंगे, ये कहा था रिपब्लिक टीवी ने और वही रिपब्लिक टीवी ने किया है। रिपब्लिक टीवी बहुत बड़ा सबूत लेके आई है, हालांकि ये सबूत कुछ महीने पुराना है लेकिन सबूत तो भाई सबूत होता है। रिपब्लिक टीवी ने अगस्त के जो है रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर प्रकाश जो है उनकी बात हुई थी अगस्त मंथ में हुई थी डॉक्टर सुधीर गुप्ता से। डॉक्टर सुधीर गुप्ता वही डॉक्टर है जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या है ये बात सामने लाई थी। उन्हीं डॉक्टर के साथ जो है अगस्त में बात हुई थी प्रकाश की, जो रिपब्लिक टीवी के जो है रिपोर्टर है, उनकी बात में सुधीर गुप्ता ही वो शख्स थे फॉरेंसिक के जिन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे सुशांत सिंह राजपूत के डेथ पे। उन्होंने जो है ये सवाल खड़े किए थे कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड है तो फ्लैट पे ही उसे सुसाइड डिक्लेयर कैसे कर दिया, अगर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड है तो मुंबई पुलिस ने इतने जल्दी सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, इतने जल्दी मुंबई पुलिस ने जो है वो एरिया मुंबई पुलिस ने सील कैसे नहीं किया। उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया था कि क्या वीडियोग्राफी ली गई थी पूरे के पूरे सीन की उस समय पे, और अगर ली गई थी तो वो कहां पे है। उन्होंने ये भी सवाल पूछा था कि सुशांत सिंह राजपूत के जो नेल्स है उसका सैंपल किधर है, वो क्यों नहीं दिख रहा। उन्होंने ये भी कहा था कि जो एक प्लेस रहता है जहां पे सुसाइड हुई होती है, कोई क्राइम हुआ होता है, वो पूरा का पूरा प्लेस जो है उसे सील किया जाता है, तो सुशांत सिंह राजपूत का प्लेस जो है वो सील क्यों नहीं था। वहां पे एविडेंस जो है उसको पूरी तरह से जो है एविडेंस को छुपाया गया था, ये भी डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा था। रिपब्लिक टीवी के जो जर्नलिस्ट है प्रकाश, उनको उन्होंने ये सारे सवाल पूछे थे, उन्होंने ही एक तरीके से जो है पूरी तरह से केस जो है सुसाइड का नहीं बल्कि हत्या का है, उन्होंने ही ये सारे जो है सवाल पैदा किए थे। उन्होंने सबसे बड़ा सवाल जो पैदा किया था, जिसके जो है हिसाब से रिपब्लिक टीवी कह रहा है कि ये हत्या है, जो सुधीर गुप्ता ने सवाल खड़ा किया था वो था कि जो भी फॉरेंसिक को सैंपल मिले हैं सुशांत सिंह राजपूत के डेथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि वो सुसाइड है या मर्डर है, ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो भी सैंपल मिले हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को, वो सैंपल पूरे नहीं है। वो सैंपल ये मतलब पता लगाने के लिए कि ये सुसाइड है या मर्डर है, ये पता लगाने के लिए ये सबूत पूरे नहीं है, ऐसा डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा था। तो अभी रिपब्लिक टीवी जो है डॉक्टर सुधीर गुप्ता से ये सवाल पूछ रहा है कि अगर आपने ये कहा था कि ये सबूत तो पूरे है नहीं, सुसाइड है या मर्डर है ये बताने के लिए, तो फिर आपने अचानक से अभी इतने हफ्तों में कैसे कह दिया कि ये सुसाइड है, अब सबूत कैसे पूरे हो गए। अगर आपने ये कहा था कि कूपर हॉस्पिटल में जो है डेथ की टाइम ही नहीं लिखा गया है, तो कूपर हॉस्पिटल में जो आपने सवाल खड़े किए थे वो उसके बारे में आपने क्या कहा। अगर आप ये कह रहे हैं कि वीडियोग्राफी उस प्लेस की नहीं ली गई थी, तो क्या आपने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू था तो उनसे वीडियोग्राफी के लिए पूछा, या आपने वो सवाल भी ऐसे ही छोड़ दिया। आप ही पहले वो इंसान थे जिन्होंने कहा था कि मुंबई पुलिस जो है इसमें गलत कर रही है, उन्होंने सबूत छुपाया है, ये किया है वो किया है,
तो फिर आपने इस बारे में बाद में इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तब बात की या नहीं की, ये एस्पेक्ट पे आपने जो है सोचा नहीं सोचा। आप ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ में बहुत सारी मिस्ट्रियां जुड़ी हुई है, तो वो मिस्ट्रियों पे आपने कौन से सवाल खड़े किए, आपने क्या किया और सडनली ऐसा इतने वीक्स में क्या हो गया, थोड़े वीक्स में यानी अगस्त से लेके अब तक ऐसा क्या बीच में हो गया कि आपने सुशांत के केस को पूरी तरह से आत्महत्या का केस डिक्लेयर किया, जबकि आप ही कह रहे थे कि फॉरेंसिक के सबूत पूरे नहीं है जिससे वो ये पता लगा सके कि सुशांत की सुसाइड है या आत्महत्या है। तो दोस्तों रिपब्लिक टीवी ने तो सवाल खड़े कर दिए खुद वो डॉक्टर पे जिसने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो है सुसाइड ही है, उन पे ही सवाल खड़े कर दिए है, उनके खिलाफ ही रिपब्लिक टीवी सबूत लेके आ चुकी है। तो अभी देखना ये बहुत 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 महत्वपूर्ण यहाँ पे बन जाता है कि सुधीर गुप्ता ने अपना बयान क्यों बदला, उन्होंने अपने सोचने का तरीका क्यों बदला, और अगर बदला है और अगर रिपब्लिक टीवी ने उनकी सच्चाई सामने लाई है तो भी वो इस पे क्या बयान देते हैं, ये देखना बहुत बहुत जरूरी बन जाता है। दोस्तों आपको इसके बारे में क्या लगता है, ये सारी घटनाओं के बारे में, ये जो सुधीर गुप्ता ने दो बार दो स्टेटमेंट चेंज किए हैं उसके बारे में आपको क्या लगता है, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बॉलीवुड की और भी ढेर सारी बातें लेके मैं वापस आऊंगी, तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीवुड टीवी। बहुत बड़ा खुलासा सुशांत की डेथ में रिपब्लिक टीवी ने किया है, जरूर हमें बताइएगा आपको क्या लगता है।